आप सभी का स्वागत है। और देखिए आप सभी के सामने मैंने इस जगह बैंक निफ्टी का चार्ट ओपन किया है। बैंक निफ्टी के चार्ट पर देखिए मंडे के दिन कैसी ओपनिंग आपको देखने को मिल सकती है, कहाँ पे बाइंग या कहाँ पे सेलिंग करना चाहिए, उसके पीछे का क्या साइकोलॉजी लेवल होने वाला है उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। देखिए सबसे पहले तो मैंने कल के दिन क्या बताया था उसके बारे में हम बात करते हैं। तो सबसे पहले तो देखिए अगर आप देखोगे तो 39,600 का जो लेवल था वो एक रेजिस्टेंस का लेवल था। मैं बिल्कुल आपको मना करके गया था कि ऊपर की साइड आपको एक सीई बाइंग नहीं करना है, क्योंकि ये एक रेजिस्टेंस का लेवल है, इस पर आपको बार बार सेलिंग ही देखने को मिलेगी। तो ये हमारा जो लॉजिक था ऊपर की साइड पीई बाइंग करने वाला वो बिल्कुल अच्छा रहा, और मार्केट ने अपने ऊपर के लेवल से देखना तो आपको देखने को मिला कि एक अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग भी देखने को मिली, जो कि मार्केट आज के दिन नीचे की साइड सपोर्ट ले रहा था 39,200 के समथिंग का। और मार्केट ने जो पूरा काम किया वो एक रेंज में काम किया, यानी अगर आप देखो तो मार्केट इसी रेंज में काम करते हुए दिखाई दिया, जो कि आपको एक जगह दिखाई दे रहा है। और जब भी मार्केट में देखिए रेंज के साथ मार्केट काम करता है तो वहाँ पे आपको जो प्रीमियम है वो काफ़ी ज़्यादा डाउन हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि कल के दिन मैंने आपको क्या बताया था। तो देखिए जी हमारा यूट्यूब चैनल है, अगर आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, और प्लस आप सभी को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा इसके लिए, क्योंकि आपने काफ़ी ज़्यादा लाइक किया और चैनल को सब्सक्राइब किया। तो मुझे उम्मीद है कि आज की वीडियो को भी आप उतना ही ज़्यादा सपोर्ट करोगे और उतना ही ज़्यादा आप लाइक एंड शेयर करोगे। तो चलिए बताता हूँ कि कल के दिन मैंने आपको क्या बोला था। और फ्री टेलीग्राम चैनल का तो लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया ही गया है, तो उसको जाके सब्सक्राइब कर लीजिए। अब चलिए बात करते हैं जगह की। देखिए इस जगह सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस आपको किस प्राइस पे दिखाई देता है। जैसे कि आज के दिन हमने देखा है कि मार्केट में देखिए जो नीचे की साइड अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एक अच्छा खासा सपोर्ट है, यानी 38,900 के समथिंग हमको इस जगह एक सपोर्ट देखने को मिल जाता है। इसका जो लो है वो एक सपोर्ट का काम करते हुए दिखाई दे रहा है। अब इसमें मैंने आपको बताया कि नीचे की साइड जो लेवल था वो एक सपोर्ट का लेवल था, यानी आप नीचे की साइड इसमें बाइंग करके चल सकते थे। और ऊपर की साइड रेजिस्टेंस की बात करते हैं इस जगह मैं बताना चाहूंगा, लेकिन अगर हम ऊपर रेजिस्टेंस की बात करें तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा जो रेजिस्टेंस आपको दिखाई देता है इस जगह 39,500 के समथिंग का दिखाई देता है। यानी अगर हम बात करें तो इस प्राइस के ऊपर अगर मार्केट जाता है, ऑप्शन चेन के हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ, और इसमें मैंने आपको बोला था कि 39,500 ये वो लेवल है जिसके ऊपर जाएगा जब भी तेजी देखने को मिलेगी, वरना तेजी नहीं देखने को मिलेगी। और आज के दिन आपने देखा कि मार्केट बिल्कुल एक रेंज में काम करते हुए दिखाई दिया, ना कि ऊपर जा रहा है ना ही नीचे जा रहा है। अब आगे कैसे काम करना है उसके बारे में, क्या साइकोलॉजी लेवल है उसके बारे में जान लेते हैं। और देखिए अब मैंने आप सभी के सामने इस जगह वन डे का चार्ट ओपन किया। देखिए वन डे के चार्ट पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एक डोजी कैंडल आपको बनते हुए दिखाई दे रहा है, यानी देखिए मार्केट काफी ऊपर गया। मार्केट में देखिए इस जगह इसने हाई मारा, जो कि आप देखोगे तो 39,600 का हाई है, जो ओपनिंग का हाई है। मार्केट ने ओपनिंग में ही जो प्राइस दिखाया था, नीचे की साइड आप देखोगे तो नीचे की साइड 39,200 का, ठीक है। यानी मार्केट ने जो काम किया वो 400 पॉइंटों के अंदर काम किया, ठीक है। उसके बाद अगर आप ऊपर की साइड आप देखोगे तो तीन दिन से एक ही प्राइस से सेलिंग आ रहा है। अगर आप देखोगे तो इस जगह भी देखिए 39,600 से सेलिंग आया था, दूसरे दिन भी 39,600 से सेलिंग आया था, और आज भी 39,600 पे सेलिंग आया था। लेकिन आज के दिन एक चीज़ अच्छी देखने को मिली कि इसने अब नीचे की साइड एक बेस बनाया, जो कि 39,200 के समथिंग हमको एक जगह देखने को मिल जाता है। अब देखिए नई सेलिंग हमको कैसे देखने को मिलेगी वो मैं आपको बताता हूँ। अगर मार्केट 39,200 के नीचे जाता है, यानी इस प्राइस के नीचे जाता है, जब भी हम कहीं ना कहीं सेलिंग कर सकते हैं, यानी पुट बाइंग कर सकते हैं, ठीक है। उससे पहले हम नहीं कर सकते। अगर मार्केट इसके नीचे जाता है तो हम पुट बाइंग करके चल सकते हैं। अब देखिए नीचे कैसे जाएगा जी, इसका मार्केट अभी ऊपर है, ऊपर से नीचे आता है, कंसोलिडेट करता है, थोड़ा समय बिताता है, और समय बिताने के बाद फिर मार्केट इस प्राइस को नीचे की साइड ब्रेक कर देता है। देखिए कम से कम 20 से 25 मिनट समय बिताना चाहिए, ठीक है, इस प्राइस के आसपास। फिर मार्केट नीचे की साइड इस प्राइस को नीचे की साइड ब्रेक कर देना चाहिए, तो हम बिल्कुल इसमें पुट बाइंग करके चल सकते हैं। फिर देखिए हमारा टारगेट क्या होगा वो मैं आपको बताता हूँ। तो पहला टारगेट तो देखिए हमको जो देखने को मिलेगा वो 39,100 का देखने को मिलेगा। दूसरा टारगेट आपको देखिए 39,000 का देखने को मिलेगा, क्योंकि ये साइकोलॉजी टारगेट है। और दूसरा टारगेट जो आपको देखने को मिलेगा, तीसरा टारगेट जो आपको देखने को मिलेगा वो इस जगह देखिए 38,800 का देखने को मिलेगा। यानी इन तीन टारगेट के लिए हम काम कर सकते हैं। कंडीशन हमारा एक ही होगा इसके अंदर कि मार्केट ऊपर क्लोजिंग दे, लेकिन ऊपर ओपनिंग दे, लेकिन क्लोजिंग नीचे देना चाहिए। मार्केट इसके नीचे बंद होना चाहिए, जो कि आपका जे वाला प्राइस है 39,200। अगर इसके नीचे बंद होता है तो हम इसमें पुट बाइंग करके चल सकते हैं। अब देखिए कुछ कॉल मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे भी दिए थे, इसका लॉजिक मैं आपको समझाता हूं। देखिए इसका लॉजिक अगर आप देखोगे तो यहां पे देखिए मैंने एक पुट बाइंग करने के लिए आपको राय दिया था 39,900 का। उस टाइम अगर आप इसका प्राइस देखोगे तो आपको देखने को मिलेगा उस टाइम इसका जो प्राइस था वो कहीं ना कहीं 277 के आसपास का था, और हम इसमें कंफर्टेबल कहां पे थे बाइंग करने के लिए 200 रुपए के आसपास। यानी अगर ये अपना 277 रुपए माइनस
होगा, उसके बाद हम इस जगह 200 रुपये पे बाइंग करने के लिए कंफर्टेबल है। अब इसमें देखिए हमारा क्या हुआ, हमारा इसमें लॉस होने के चांस कम हो गए, हमारा एसएल कम हो गया, ठीक है। और उसके बाद अगर आप देखोगे तो यहाँ पे देखिए जो मार्केट आपका साइडवेज था, आप सभी को पता है कि साइडवेज मार्केट में क्या होता है, मार्केट आपका एक रेंज में होता है। आपका टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो में दिया गया है, उसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके बाद देखिए हमारा इस जगह मार्केट में जो हमारा कॉल है वो एक्टिवेट हुआ इस जगह आप देख सकते हो 1:17 पे, और इसने जो हमारा टारगेट मारा वो कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेगा 230 के आसपास का मारा। और देखिए अगर आपको हमारे पेड ग्रुप में ज्वाइन होना है तो आप हमारे लिंक से अकाउंट ओपन कर सकते हो और हमारे पेड ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हो। अब देखिए इसमें बेनिफिट हमको क्या देखने को मिला कि हमने इस जगह रिस्क कम लिया और रिवॉर्ड ज़्यादा लिया, क्योंकि मार्केट में लोग क्या करते हैं कि हमेशा रिस्क को ज़्यादा लेते हैं और रिवॉर्ड कम लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा इस जगह कि इसमें एक पैटर्न भी बनते हुए दिखाई दे रहा है, जो कि अगर आप देखोगे तो अभी तक देखिए हो क्या रहा है कि मार्केट आपका देखिए तेज़ी से ऊपर की साइड गया, लेकिन उतनी तेज़ी से आपको नीचे की साइड आता हुआ नहीं दिखाई दे रहा, यानी अगर आप देखोगे तो बीच बीच में आपको कहीं ना कहीं एक तेजी भी देखने को मिलती है, जैसे कि आज के दिन भी आपको अपने नीचे सपोर्ट से तेजी देखने को मिली, क्योंकि हमने क्या बोला था नीचे हम बिल्कुल सीई बाइंग करके चल सकते हैं, नीचे हमारा कोई डाउट ही नहीं है, हम सीई बाइंग नहीं करें, लेकिन ऊपर की साइड भी हमको पीई बाइंग करना है, ठीक है। अब देखिए ऊपर की साइड अब इसने कितनी बार रेजिस्टेंस लिया, एक बार लिया, इस जगह आपका दूसरी बार रेजिस्टेंस लिया और ये तीसरी बार लिया। अब की बात देखिए क्या होता है कि अगर मार्केट आपका 39,600 को अगर पार कर जाता है, ऊपर की साइड अगर ये पार कर जाता है तो हम इसमें सीई भी बाइंग करके चल सकते हैं। बस कंडीशन हमारा इतना सा है कि जो आपका कैंडल बनेगा, अब जो कैंडल कितने मिनट का होगा जो मैं आपको बताता हूं, जो आपका कैंडल बनेगा जो ग्रीन कैंडल बनना चाहिए इसके ऊपर बनना चाहिए 39,600 के ऊपर जो कैंडल बनना चाहिए, और आपका क्लोजिंग ऊपर देना चाहिए। कैंडल का जो टाइम फ्रेम होगा वो 15 मिनट का होगा, ठीक है, 15 मिनट का आपको चार्ट देखना है। जैसे ही मार्केट देखे इसके ऊपर इस टाइप से निकलना चाहिए। अभी तक क्या हो रहा है कि मार्केट एक जगह से आया, कंसोलिडेट किया, नीचे की साइड आया और जो एक रेंज में आपको काम करते हुए दिखाई दे रहा है। अब देखिए रेंज में अगर ये इस ऊपर की साइड पार कर जाता है, यानी 39,600 का अगर ये पार कर जाता है तो हम इसमें सीई बाइंग करके चल सकते हैं। फिर देखिए इसमें हमारा टारगेट क्या होगा, टारगेट की बात कर लेते हैं। तो पहला टारगेट देखिए इसमें जो आपको देखने को मिलेगा वो सबसे पहले देखिए 39,700 का देखने को मिलेगा, दूसरा टारगेट होगा आपका 39,810 का, और लास्ट टारगेट आपका होगा 39,950 का, क्योंकि ये साइकोलॉजी लेवल आपका आ जाता है 40,000 के समथिंग, ठीक है। तो इन टारगेट के लिए हम मार्केट में काम कर सकते हैं। फिर से मैं आपको समझाता हूँ, अभी मार्केट देखिए आपका ऊपर गया तेज़ी से, फिर आपका नीचे की साइड आया, उसके बाद देखिए मार्केट जो रेंज में काम कर रहा है, रेंज को अगर जो ऊपर की साइड पार कर देता है यानी इस प्राइस के ऊपर पार कर देता है तो हम इसमें सीई बाइंग करके चल सकते हैं, कोई डाउट नहीं है, हम इसमें इस प्राइस के ऊपर सीई बाइंग करके चल सकते हैं। बस मार्केट तेजी से निकलना चाहिए, फिर हमारा टारगेट 1, 2 और 3 इस टाइप के हमारे टारगेट देखने को मिल जाते हैं। तो देखिए अब मैंने आप सभी के सामने इस जगह ऑप्शन चेन ओपन किया है जो कि बैंक निफ्टी का ऑप्शन चेन है। अब देखिए यहाँ पे कुछ डेटा मैं आपको बताना चाहूंगा जो काफी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो मैं ऑप्शन चेन आप सभी को बताना चाहूंगा जो कि 8 सितंबर का आपको ऑप्शन चेन आपको दिखाई दे रहा है। देखिए 8 सितंबर का आपका एक्सपायरी है, और इस जगह अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे देखिए 39,400 के समथिंग आपका मार्केट क्लोजिंग हुआ है। अब देखिए इसमें रेजिस्टेंस की अगर हम बात करें तो जैसे कि मैंने आपको बता के रखा है कि ऊपर की साइड देखिए जो इसमें रेजिस्टेंस दिखाई देता है, पहला रेजिस्टेंस तो आपको ये वाला दिखाई देगा जो कि आज के दिन भी काम किया था 39,500 के समथिंग। अगर मार्केट इसको पार करता है ऊपर की साइड, जब भी आपको एक तेजी देखने को मिल सकती है, और जो तेजी देखने को मिल सकती है वो कितनी देखने को मिल सकती है, 250 से लेके आपको इस जगह 320 के समथिंग की आपको तेजी देखने को मिल सकती है, लेकिन कंडीशन इतना है कि इस लेवल के ऊपर जाना चाहिए, क्योंकि ये लेवल आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है 39,500 का। अब नीचे सपोर्ट की बात करते हैं, तो देखिए सपोर्ट इसमें एक निकल के आता है, अगर मार्केट नीचे ओपन होता है तो पहला सपोर्ट तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा 39,000 का। अब देखिए ये पहला सपोर्ट क्यों है, क्योंकि ये आपका एक साइकोलॉजी लेवल भी है, ठीक है, ये आपका एक क्या है साइकोलॉजी लेवल है। तो अगर मार्केट इस लेवल के आसपास ओपन होता है तो हम सीई बाइंग करके चल सकते हैं, अगर मार्केट इसके नीचे ओपन होता है तो फिर आपका जो सीधे आपका देखिए नीचे की साइड सपोर्ट निकल के आता है वो कहीं ना कहीं 38,000 देखिए मैं लिखना चाहूँगा 38,600 के समथिंग आता है, ठीक है। तो अगर मार्केट इसके आसपास भी ओपन होता है ना तो हमको नीचे की साइड सीई ही बाइंग करना है, ठीक है, नीचे ओपन होता है तो बिल्कुल सीई बाइंग करना है, फिर नीचे से हमको एक रिकवरी भी देखने को मिल सकती है, लेकिन ऊपर की साइड आपको जब भी बाइंग करना है सीई, जब मार्केट इस लेवल को ऊपर की साइड पार। आप सभी के सामने इस जगह 15 मिनट का चार्ट ओपन किया है, 15 मिनट के चार्ट पे अगर आप देखोगे तो कहीं ना कहीं देखिए जैसे मार्केट में हमको तेजी देखने को मिलती है, कहीं ना कहीं हमको मार्केट में एक सेलिंग भी अगर हमको देखने को मिल सकती है, तो वो कौन सा लेवल होता है जिसपे हम बाइंग करके चल सकते हैं। तो कहीं ना कहीं देखिए एक लेवल मुझे
काफ़ी अच्छा दिखाई देता है जो कि 38,000, देखिए यहाँ पे मैं लिखना भी चाहूँगा 38,700 का मुझे काफ़ी अच्छा लेवल देखने को मिलता है। क्योंकि देखिए इससे पहले अगर आप देखोगे तो अभी आपको याद होगा कि मार्केट में देखिए इस लेवल पर मैंने आपको सीई बाइंग करने की राय दी थी और मार्केट ने काफ़ी अच्छी देखिए रिकवरी दी थी और इसने कहीं ना कहीं इस पर ही रजिस्टेंस लिया था जो कि आपका 39,600 का जो लेवल था, ठीक है, यानी नीचे के लेवल से एक आपको शार्प रिकवरी देखने को मिली। अब देखिए मार्केट में अगर आप देखोगे तो मार्केट में इस टाइप का पैटर्न बनना है और इस टाइप का जब भी पैटर्न बनता है तो एक आपका अच्छा खासा मूव देता है जो कि कहीं ना कहीं मैं अगर बात करूं तो इस जगह देखिए 600 से लेके आपको 700 पॉइंटों का मूव देखने को मिलता है। अब जो ऊपर भी हो सकता है और नीचे भी हो सकता है, तो ऊपर का तो मैंने आपको बता दिया कि 39,600 के ऊपर जाता है जब भी हम इसमें बाइंग करके चल सकते हैं, लेकिन अगर नीचे की साइड आता है तो नीचे की साइड भी आपका जो प्राइस काफ़ी अच्छा दिखाई देता है सीई बाइंग करने के लिए वो आपका 38,000, देखिए यहाँ पे आपको दिखाना चाहूँगा 38,000 का देखिए काफ़ी अच्छा प्राइस हमको देखने को मिलता है। यानी अगर मार्केट में आपको सेलिंग भी देखने को मिलती है तो उस सेलिंग में आपको पैनिक नहीं करना, यानी आपको देखिए नीचे की साइड आपको अपॉर्चुनिटी ही देखने को मिलेगी जो कि कहीं ना कहीं सीई बाइंग करने का होगा। अब देखिए इसमें कंडीशन क्या है, मार्केट जैसे नीचे की साइड आया तो नीचे उसको समय बिताने दीजिए, थोड़ा कंसोलिडेट उसको करने दीजिए और जैसे देखिए कंसोलिडेट करने के बाद मार्केट अगर ऊपर की साइड निकलता है तो हम इसमें क्या बाइंग करके चल सकते हैं, हम इसमें देखिए अपने हाई के ऊपर सीई बाइंग करके चल सकते हैं। ऐसा ही मैंने देखिए आपको अपने यूट्यूब चैनल पर पहले बताया था, अगर आपने मेरा वीडियो देखा होगा उस पर मैंने आपको बताया था कि नीचे की साइड अगर आप देखो तो मार्केट जब भी कंसोलिडेट करता है, देखिए यहाँ पे देखिए कितना बढ़िया कंसोलिडेट किया और उस कंसोलिडेट करने के बाद जैसे ही मार्केट ने देखिए अपना इस प्राइस को निकाला यानी इस प्राइस के हाई को निकाला तो उसके बाद आप देखोगे तो मार्केट में लगातार आपको तेजी देखने को मिली और जो तेजी आपको देखने को मिली वो इस जगह देखिए 700 से लेके 800 पॉइंटों की देखने को मिली। तो ये अपॉर्चुनिटी होती है, ये अपॉर्चुनिटी आपको दोनों तरफ से देखने को मिलती है। इससे पहले भी आपने देखा होगा तो यहाँ पे देखिए मार्केट ने कंसोलिडेट किया और कंसोलिडेट करने के बाद देखिए जैसे ही अपने हाई को निकाला तो जबरदस्त हमको तेजी देखने को मिली। तो इसी तरीके से हमको इस जगह काम करना है, बस कंडीशन इसमें इतना सा है कि जो आपका 38,700 का लेवल है उसके नीचे मार्केट को नहीं आना चाहिए। अगर इसके नीचे मार्केट आता है तो कहीं ना कहीं एक आपको पैनिक देखने को मिल सकता है, क्योंकि हमने ऑप्शन चेन का डेटा भी देखा था तो उसमें डेटा में हमको देखिए इस लेवल पे काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी बाइंग करने की मिल रही है जो कि आपका सीई बाइंग करने की। तो बस नीचे की साइड आपको सीई बाइंग करना है, बस लेवल आपका सही होना चाहिए। जैसे कि आज के दिन हमने कॉल दिया तो उसमें देखिए 277 का आपका प्राइस था, लेकिन हम कंफर्टेबल कहाँ पे थे बाइंग करने के लिए, हम कंफर्टेबल थे 200 रुपये पे, ठीक है, 200 से वो बिल्कुल एक तेजी हमको देखने को मिली। उसने 230 के 240 के समथिंग का हाई मारा, लास्ट में तो उसने कहीं ना कहीं 260 का भी हाई मारा था। तो नीचे की साइड हमको कंफर्टेबल, अगर आप नीचे की साइड कंफर्टेबल हो गए बाइंग करने के लिए जब भी आपको अपॉर्चुनिटी देखने को मिलती है। अब देखिए इसमें टारगेट हमको कहाँ पे देखने को मिलेगा, अगर हम नीचे की साइड बाइंग करते हैं 38,700 के समथिंग तो हमको कहाँ पे बाइंग करना या टारगेट देखने को मिलेगा। तो पहला टारगेट जो हमारा होगा वो इस जगह मैं लिखना चाहूँगा, सबसे पहला टारगेट तो आपका होगा 38,810 का, दूसरा टारगेट आपका इस जगह होना चाहिए 38,930 का और लास्ट टारगेट आपका कहीं ना कहीं इस जगह होना चाहिए जो कि 39,100 के समथिंग का। यानी आप इन टारगेट के लिए मार्केट में काम कर सकते हो। आपको वीडियो कैसा लगा जी जरूर मुझे बताइए, आपके मन में जो भी सवाल है वो आप कमेंट कीजिए और जैसे आप कंटिन्यू लाइक कर रहे हो वीडियो को उसके लिए आप सभी का धन्यवाद। ऐसे ही सपोर्ट बना के रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।